हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास एट का चैप्टर वन यानी कि रैशनल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, नाउ सी, आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसमें, आपको प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट आपको प्रॉपर्टी लगानी है इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको इसको फाइंड आउट करना है। नाउ लेट सी हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहले आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 3/5 कॉमन है, लेकिन बीच में ये है तो हम इसे क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज मीन्स इसको उठा के हम इधर लिख देंगे, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। नाउ लेट सी कैसे करते हैं। -2/3 × 3/5। अभी यहाँ पे इसमें कॉमन आ रहा है तो -3/5 × 1/6 एंड देन प्लस का 5/2, इसको हमने रीअरेंज कर दिया। नाउ टेक द कॉमन। नाउ इसमें हम कौन, यहाँ से हम देख रहे 3/5 कॉमन आ रहा है तो हम 3/5 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा -2/3 एंड यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1/6 और बाहर ब्रैकेट के बाहर 5/2। होप सो इतना क्लियर हो गया हो। नाउ आपका फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इन्हें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। नाउ 3/5, ठीक है, नाउ एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 6 लाने के लिए से 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 5/2, ये हो गया आपका सॉल्व। नाउ नेक्स्ट फर्दर स्टेप, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ मैं ये प्रॉपर्टी समझाने वाला एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको समझा दूंगी। ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4+1 5/6 प्लस का 5/2। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। माइनस का 3/5 15 एंड नहीं, इसको कैंसिल ही कर देते ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 × 2 = 6, ये बच जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। ठीक है, होप सो इतना क्लियर हो गया हो। ठीक है, नाउ माइनस प्लस इज माइनस, ये हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस, 5 में से 1 गया, 4 बचता है, बड़ा नंबर ये 2 × 2 = 4, सो द आंसर इज 2। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2 यानी कि सेकेंड पार्ट। ये हमारे पास 2/5 × -3/7 एक सेकेंड ना, क्वेश्चन -1/6 × 3/2 और प्लस का 1/14 × 2/5। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे और इसमें 2/5 कॉमन, फिर इसको हम जैसे हमने ऊपर रीअरेंज किया था इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं। नाउ रीअरेंज करने के लिए 2/5 × -3/7 इसको पूरे को, ठीक है, हाँ प्लस 1/14 × 2/5 और इसको हम पूरे को लास्ट में लिख देंगे, -1/6 × 3/2। नाउ 2/5 कॉमन आ गया, वट इज़ लेफ्ट, -3/7 और यहाँ पे बचा प्लस का 1/14 और इधर बच गया माइनस, इसे सॉल्व कर लेते 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो गया। ठीक है, नाउ इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 2/5 14 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 लाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे दो पर भी 2 से, 3 × 2 - 6 प्लस का 1 यानी कि -1/4 बाहर लिखेंगे। नाउ माइनस प्लस इज माइनस, 2/5 माइनस प्लस इज माइनस, 6 में से 5 1 गया, 5 बचता है विद नेगेटिव साइन क्योंकि 6 बड़ा है, 6 पे माइनस का साइन है, अपॉन 14 और माइनस का 1/4, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 7 = 14। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, -1/7 एंड माइनस का 1/4, यहाँ पे ये इतना आपके पास ये बच गया। नाउ क्या बचा है आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/7 माइनस का 1/7 एंड माइनस का 1/4। नाउ सी, आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ 7 and 4 जो कि आ गया आपका 28। नाउ इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे,
माइनस का 4 और माइनस का 7 अपॉन 28। माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 4 कितना हो गया आपका 11 अपॉन 28, बड़ा नंबर 7 है, माइनस साइन माइनस 11 अपॉन 28 इज द आंसर। होप सो आप लोग को इतना समझ आ गया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपको निकालना है एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन टू में लिखना है राइट द एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नाउ सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो, अगर आपके पास इस, ये देखिए ये नंबर पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, माइनस 2/8, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि है माइनस 5/9 है, तो माइनस का है तो सीधा आंसर में क्या हो जाएगा, सीधा प्लस का 5/9, ठीक है। नाउ सी थर्ड वन, थर्ड वन थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनस 6 एंड माइनस 5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 6/5। अभी इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, जो कि होगा माइनस 6/5, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ का क्या है, 2/-9। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि -2/9। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/9। बोलने का मतलब यह है कि साइन अगर माइनस का है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव में आ जाएगा। होप सो इतना क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ एक लास्ट पार्ट बचता है, विच इज़ फिफ्थ पार्ट, जो कि है आपका 19/-6, ठीक है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से, नाउ एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 19/6, दिस इज द आंसर। होप इतना आपको क्लियर होगा। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, आगे के क्वेश्चन फर्दर करेंगे, ओके। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस तरीके की मैंने एलजेब्रा से रिलेटेड है लाइव वीडियोज़ में भी काफ़ी सारे अलग अलग चैप्टर से लेके किया, तो आप वहाँ से भी मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।